शिमला के संजोली में कुछ दिनों से एक मस्जिद को लेकर विवाद चल रहा है। दो समुदाय के युवकों में लड़ाई के बाद इस मस्जिद को घिराने की मांग की जा रही है। आरोप लगाया जा रहा है कि ये मस्जिद अवैध रूप से बनाई गई है। हालांकि ये मस्जिद 1947 से पहले की है और इसमें दो मंजिल बिना अनुमति के बनाई गई है। इस पूरे मामले को लेकर संजोली में माहौल काफी तनावपूर्ण है। शिमला के संजोली में मस्जिद तोड़ने को लेकर हिंदू संगठन अड़े हुए हैं। कांग्रेस के मंत्री ने भी मस्जिद को तोड़ने की मांग उठाई है। चार दिन पहले हिंदू संगठनों ने रैली निकाली जिसमें शिमला नगर निगम के कांग्रेस के 3 पार्षद भी शामिल हुए और मस्जिद के बाहर धरना प्रदर्शन किया, साथ ही मस्जिद में हुए निर्माण को घिराने की मांग उठाई। वहीं ये मामला हिमाचल विधानसभा में भी उठा। कांग्रेस के ही मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने इस मस्जिद को तोड़ने की मांग उठाई और बाहर से आने वाले मुस्लिम समुदाय के लोगों पर नजर रखने की मांग की। पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि ये किसी धार्मिक स्थल का मामला नहीं है, ये वैध और अवैध निर्माण का मामला है। 2010 में इसका निर्माण शुरू हुआ। यहाँ पर पहले दुकान हुआ करती थी। इस मामले में कई बार नोटिस दिए गए लेकिन यहाँ पर जो निर्माण हुआ है वो 6,750 स्क्वायर फुट तक पहुंच गया। यह जमीन हिमाचल प्रदेश सरकार की है। सरकार की जमीन पर कोई भी इस तरह निर्माण नहीं कर सकता। सवाल यहाँ ये है कि इसका नक्शा किस तरीके से पास हो गया। इस मामले में नगर निगम शिमला की गलती है। वहीं शिमला शहर के कांग्रेस के विधायक हरीश जनार्दन ने कहा कि शिमला एक शांति प्रिय जगह है और इसकी शांति भंग ना करे। उन्होंने कहा कि जो अवैध मस्जिद की बात कर रहे हैं तो ये मस्जिद 1950 से पहले की है। यहाँ जो अवैध निर्माण हुआ है उसका मामला चल रहा है। वक्फ बोर्ड इस केस को लड़ रहा है और ये मामला 2009 से चल रहा है। इसके बाद कितनी सरकारें आई और गई। इस मामले में किसी धर्म समुदाय पर बोलना उचित नहीं है। वैसे इस पूरे मामले को देखकर आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल।